So hello guys, welcome to Essence Telemedia, and in this video I'm gonna talk about how you grow your Instagram account, get more reach on your posts, get more engagement and followers as per Instagram's algorithm. But before diving into Instagram's algorithm, make sure that you have your Instagram account set to public. अगर आपका Instagram private है तो आप उसे public कर ले पहले, तो ये बहुत मदद करेगा आपको Instagram grow करने में. Okay, so let's get started. सो गाइज, इंस्टाग्राम में अपने ऑफिशियल वेबसाइट about.instagram.com पे ये मेंशन किया है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है. ओके, सो पहले पैराग्राफ में उन लोग ने मेंशन किया है कि लोगों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन है कि कैसे इंस्टाग्राम काम करता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या है. लोगों के अंदर क्वेश्चन होते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम डिसाइड करता है कि आपका पोस्ट फीड में ऊपर शो हो, कैसे इंस्टाग्राम डिसाइड करता है कि आपका पोस्ट एक्सप्लोर सेक्शन में शो हो, लोग के एक्सप्लोर सेक्शन में शो हो, और किसी हमारे किसी पोस्ट पे ज्यादा व्यूज आते हैं, किसी पे कम व्यू आते हैं, वो क्यों होता है. ओके, एंड व्हाट इज द एल्गोरिदम, आखिर वो एल्गोरिदम है क्या. सो इन्होंने इधर मेंशन किया है कि हर एक चीज के लिए, फीड के लिए अलग एल्गोरिदम है, एक्सप्लोर सेक्शन के लिए अलग एल्गोरिदम है, रील्स के लिए अलग एल्गोरिदम है, स्टोरीज के लिए अलग एल्गोरिदम है. ओके, सो हर एक चीज के लिए अलग अलग एल्गोरिदम, अलग अलग प्रोसेस है. ओके, सो लेट्स रीड हाउ वी रैंक फीड एंड स्टोरीज. फीड एंड स्टोरीज कैसे रैंक होता है. ओके, सो देर आर फोर पॉइंट्स टू नोट. इंफॉर्मेशन अबाउट योर पोस्ट, आई मीन इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, दीज आर द सिग्नल्स बोथ अबाउट यू हाउ पॉपुलर ए पोस्ट इज. थिंक हाउ मेनी पीपल हैव लाइक्ड इट, एंड मोर मंडेन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट इटसेल्फ, लाइक वेन इट वॉज पोस्टेड, हाउ लॉन्ग इट इज, इफ इट इज अ वीडियो, एंड वट लोकेशन इफ एनी वॉज अटैच टू इट. ओके, पहला पॉइंट ये है कि आपके पोस्ट का इंफॉर्मेशन, आप क्या इंफॉर्मेशन देते हो, कितने लोग उसको लाइक करते हैं, कितने लोग उसको लाइक करते हैं, और उसका लोकेशन आपने क्या दिया है. ओके, अगर वो वीडियो है तो कितना लेंथ है, उसका लेंथ कितना है. आप इसका मतलब आप अपने वीडियो में कैप्शन जरूर दिया करो. ओके, कैप्शन दिया करो. नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड. इंफॉर्मेशन अबाउट यू मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड, जिसने वो पोस्ट किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी. योर एक्टिविटी, दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, एंड इंक्लूड सिग्नल सच एज हाउ मेनी पोस्ट यू हैव लाइक. अबाउट योर इंटरेस्ट, जो व्यूअर देख रहा है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से भी शो करता है. ओके, एंड द नेक्स्ट इज योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद समवन, दिस गिव्स अस अ सेंस ऑफ हाउ इंटरेस्टेड यू आर generally in seeing post from a particular person, for example is whether or not you comment on each other's post. okay, which means ke jo post hai, jisne post kiya hai, uske sath aap kitna interested ho baat karne mein, uske post ko aap like karte ho ki nahi, uske post pe aap comment karte ho ki nahi, usse aap chat karte ho ki nahi. okay, in charo points ko dekhte hue Instagram aapki stories aur post feed mein, logo ke feed mein dikhati hai sabse upar. okay, एंड द नेक्स्ट इज कैसे एक्सप्लोर सेक्शन में रैंक होता है पोस्ट. ओके, एक्सप्लोर सेक्शन में आपका पोस्ट कैसे रैंक करेगा किसी और के एक्सप्लोर सेक्शन में, तो इसके लिए भी चार पॉइंट्स इन लोगों ने मेंशन किया है. इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, हेयर वी आर लुकिंग एट द हाउ पॉपुलर ए पोस्ट सीम्स टू बी, कितने लोगों ने उस पर लाइक किया है, कितने लोगों ने उस पर उसको सेव किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया है. इंस्टाग्राम ये चीज देखता है. ओके, बिफोर सेंडिंग इट टू समवन्स एक्सप्लोर सेक्शन. सेकेंड पॉइंट इज योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद द पर्सन हु पोस्टेड, जिसने पोस्ट किया है उसके साथ मेरा इंटरेक्शन कैसा है. मैं किसी का पोस्ट देख रहा हूँ, मेरे साथ मैंने उसके साथ कभी बात किया है, कभी उसके फोटोज पे लाइक किया है, उसके फोटोज पे कमेंट किया है कि नहीं. ओके, योर एक्टिविटी, मैं कैसे पोस्ट पसंद करता हूँ, दीज आर सिंगल्स लाइक वट पोस्ट यू हैव लाइक, मैं कैसे पोस्ट लाइक करता हूँ, मैंने कैसे पोस्ट सेव किए, मैंने किन पोस्ट पे कमेंट किए. ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड, लाइक दीज आर द सिग्नल्स हाउ मेनी टाइम्स पीपल हैव इंटरेक्टेड विद दैट पर्सन इन द पास्ट फ्यू वीक्स टू हेल्प फाइंड कंपेलिंग कंटेंट फ्रॉम अ वाइड एरिया ऑफ पीपल. ओके, लास्ट पॉइंट्स में ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, कि वो पर्सन कैसा है, जिसने वो पोस्ट किया है वो पर्सन कैसा है, कितने लोग उसके साथ इंटरेक्ट किए पिछले कुछ हफ्तों में, लोग उससे बात किए, उसके पोस्ट पे कमेंट किए कि नहीं, इंस्टाग्राम ये देखता है. ओके, फॉर रैंकिंग योर पोस्ट इन समवन्स एक्सप्लोर सेक्शन. ओके, एंड द नेक्स्ट इज हाउ वी रैंक रील्स. ओके, सो फॉर दिस ऑल्सो दे हैव फोर पॉइंट्स, दे हैव मेंशन फोर पॉइंट्स. ओके, फर्स्ट इज योर एक्टिविटी,
वी लुक एट थिंग्स लाइक विच रील्स यू हैव लाइक, कैसे रील्स आपने लाइक किए हैं, किन रील्स पे आपने कमेंट किए हैं, किन रील्स पे आपने मतलब आप सबसे ज्यादा एंगेज रहे हो, ऐसे रील्स आपको इंस्टाग्राम शो करता है. ओके, द नेक्स्ट इज योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद द पर्सन हु पोस्टेड. याद रखना ये चारों पॉइंट्स तीन रील रैंक करने में भी और एक्सप्लोर सेक्शन में भी ऊपर आने के लिए, स्टोरीज और फीड को रैंक करने के लिए भी है. ओके, तो ये चारों पॉइंट्स मैं आपको इन चारों को एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो इंस्टाग्राम ने अपने एल्गोरिदम वाले पोस्ट में ये मेंशन किया है कि अगर आपको स्टोरी अपना स्टोरी रैंक करना हो, अपना नॉर्मल पोस्ट रैंक करना हो, रील रैंक करना हो, या आपका पोस्ट को आप एक्सप्लोर सेक्शन में ऊपर दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए इंस्टाग्राम ने ये चारों पॉइंट्स सभी में मेंशन किए हैं कि योर एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद समवन, इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड. सो योर एक्टिविटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, व्यूअर का एक्टिविटी आप एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या देखता है क्या नहीं देखता वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट. आप अपने पोस्ट का इन्फॉर्मेशन अच्छा दो, आप अपने पोस्ट के बारे में कैप्शन दो, किस बेसिस किसके ऊपर है आपका पोस्ट, आप अपने पोस्ट के रिलेटेड हैशटैग्स दो. अगर आप सीनरी पोस्ट कर रहे हो तो सीनरी से रिलेटेड हैशटैग दो, सीनरी से रिलेटेड कैप्शन दो. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिंग विद समवन. जिसने पोस्ट किया है क्या उसके साथ इंटरेक्शन कैसा है आपका, क्या आपने उसके पोस्ट पे कमेंट किए कभी, क्या आप उसके पोस्ट लाइक करते हैं, क्या वो आपका पोस्ट लाइक करता है, क्या आप दोनों एक दूसरे के स्टोरीज देखते हो. ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड. जिसने पोस्ट किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो पर्सन कैसा है. ओके, क्या कुछ पिछले कुछ हफ्तों में उसके पोस्ट पे इंटरेक्शन कैसे थे, क्या लोग उससे बात कर रहे थे चैट्स में या नहीं. सो आपको करना क्या है कि आप इंटरेक्शन बढ़ाना है लोगों के साथ, आपका इंटरेक्शन बढ़ाना है. ओके, जो भी आपका पोस्ट देख रहा है उसके साथ आपको इंटरेक्शन बढ़ाना है, एंगेजमेंट बढ़ाना है अपने पोस्ट पे. तो जब भी आप स्टोरी डालो मेक श्योर कि आप स्टोरीज में भी एंगेजमेंट बढ़ाओ. स्टोरीज में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने व्यूअर से. ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हो, उससे एंगेजमेंट बढ़ेगा. जो भी आपको मैसेजेस करता है उसका रिप्लाई करो. अगर आपको नए फॉलोअर्स आ रहे हैं तो उनको थैंक्स बोल दो, मैसेज कर दो एक. इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो आपका पोस्ट उसके फीड में ऊपर शो होगा. सिंपल, आपको करना क्या है, आपको इंटरेक्शन बढ़ाना है. इंटरेक्शन मैसेजेस से बढ़ेगा, लोगों के पोस्ट में कमेंट करने से बढ़ेगा, उनके पोस्ट लाइक करने से बढ़ेंगे और स्टोरीज में क्वेश्चन पूछने से बढ़ेंगे. ओके, आप जब भी पोस्ट करते हो कोई भी, तो आप एक तो पहली चीज अब पीक टाइम पे पोस्ट करो. पीक टाइम जनरली 6 से लेकर 9 बजे तक होता है. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर व्यूअर्स हमारे इसी समय एक्टिव रहते हैं. पीक टाइम पे पोस्ट करो और पोस्ट करने के बाद अपने पोस्ट को पर्सनली इंस्टाग्राम के चैट में शेयर कर दो. उससे इंटरेक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगर आपका इंटरेक्शन बढ़ा, आपके फॉलोअर आपके पोस्ट पे इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो ये एकदम मतलब प्रूवन है, जो कि खुद इंस्टाग्राम बोलता है कि आपका पोस्ट रैंक करेगा. खुद इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के हिसाब से रैंक करेगा, आपका पोस्ट एक्सप्लोर सेक्शन में भी आएगा और ज्यादा व्यूज भी आएंगे, ज्यादा लाइक्स भी आएंगे, जो कि फॉलोअर्स भी लाके देगा ऑब्वियसली. ओके, एंड गाइस मेक श्योर कि आप जितना मतलब डेली पोस्ट कर सकते हो तो डेली पोस्ट करो. ठीक है, और ऐसे पोस्ट करो ताकि मतलब लोगों से एंगेजमेंट लेते हुए कुछ क्वेश्चन पूछते हुए पोस्ट करो. ओके, सो गाइस आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम का आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में. कुछ और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना. बाय बाय.